नमस्कार, आप सभी दर्शकों का स्वागत है आपके अपने चैनल एस्ट्रोमित्रम में। इस वीडियो में दिखाई गई, उपयोग की गई अथवा प्रकाशित की गई सामग्री एस्ट्रोमित्रम के साथ पंजीकृत संबंधित लेखक ज्योतिषी से संबंधित है। इस वीडियो को केवल देखने के लिए YouTube से एक्सेस किया जा सकता है और इसे पुनः किसी भी माध्यम से प्रकाशित या वितरित करने के समस्त अधिकार एस्ट्रोमित्रम के अधीन है। कुंडली से जाने कब और कहां होगा विवाह। विवाह का प्रमुख भाव सप्तम भाव है। सिर्फ सप्तम भाव से ही शादी के विषय पर विचार नहीं किया जाता, बल्कि अन्य भावों को भी देखने की जरूरत पड़ती है। जैसे द्वितीय भाव, जो कि परिवार अर्थात कुटुंब का भाव, जिससे कुटुंब देखा जाता है। द्वितीय भाव विवाह का सहायक भाव है। परिवार की बढ़ोतरी परिवार स्थान से देखी जाती है। उसी प्रकार एकादश भाव अर्थात इच्छा पूर्ति का भाव, लाभ भाव एकादश भाव अर्थात लाभ भाव, ये भी विवाह का सहायक भाव है। दोस्ती और भावनाओं के संबंध लाभ भाव से देखे जाते हैं, क्योंकि पति को पत्नी का और पत्नी को पति का लाभ प्राप्त होता है। विवाह का नियम, नियम एक, सप्तम भाव का उपनक्षत्र स्वामी उस मुख्य भाव का अथवा विवाह के सहायक भावों में से किसी एक भाव का कार्येश हो तो विवाह संभव है। अर्थात सप्तम भाव का उपनक्षत्र स्वामी दूसरे, सातवें, ग्यारहवें में से किसी एक भाव का भी कार्येश हो तो विवाह होगा। विवाह कब होगा? जब सप्तम भाव का उपनक्षत्र स्वामी विवाह को निर्देशित करे और विवाह से संबंधित ग्रहों की महादशा, अंतरदशा अथवा प्रत्यंतर आने पर ही विवाह होगा। असफल विवाह, जातक का विवाह सफल होगा या नहीं ये भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। भावों की दशा से इसे भी पता लगाया जा सकता है। प्रत्येक भाव का एक व्यय भाव होता है। लग्न का व्यय बारहवां भाव है। विवाह की बात चल रही है इसलिए सप्तम भाव का व्यय भाव या विरोधी भाव छठवां भाव होगा। उसी प्रकार इनके संबंधित भावों के भी विरोध भाव हैं। विरोधी भाव, विवाह के संबंध में विरोधी भाव को भी देखा जाता है। जैसे विवाह से संबंधित भाव 2, 7 और 11 हैं, तो इसके विरोधी भाव अर्थात व्यय भाव 1, 6, 10 होंगे। साथ ही अष्टम भाव भी परेशानी का कारण है। यदि कार्येश ग्रह व्यय भाव से संबंध रखते हैं तो विवाह के सुख में कमी आती है। लेकिन अगर सप्तम भाव का उपनक्षत्र स्वामी इन विवाह से संबंधित भावों के व्यय भाव जैसे 1, 6, 10 एवं 8, 12 भावों में से जितनी ज्यादा विरोधी भावों का कार्येश होगा तो विवाह होने के बाद भी अच्छा सुख नहीं मिल पाएगा। यानी कि उपनक्षत्र स्वामी सप्तम भाव के व्यय स्थान का कितना बलवान कारक है उतनी विरोध की मात्रा बढ़ जाएगी। ऐसी स्थिति में विवाह जल्दी नहीं होगा। विवाह के मामले में धोखा मिल सकता है। विवाह तय होकर टूट सकता है। दोनों में तकरार हो सकती है। शारीरिक सुख में कमी हो सकती है और कभी कभी शादी टूट भी सकती है। यदि सप्तम का उपनक्षत्र स्वामी शनि से संबंधित हो तब जीवन साथी विधुर अथवा विधवा होती है। ऐसी स्थिति में दशा स्वामी भी लग्न और अष्टम का सबल कार्येश होता है। साथ ही सप्तम भाव के व्यय भावों का भी सबल कार्येश होता है। उपनक्षत्र स्वामी भी व्यय भावों का सबल कार्येश होता है। तलाक के योग, यदि सप्तम भाव का उपनक्षत्र स्वामी किसी तरह से बुध व गुरु से संबंधित हो और तृतीय भाव का कार्येश हो तब कानूनी तलाक होता है। पुनर्विवाह, यदि सप्तम का उपनक्षत्र स्वामी बुध हो या बुध के नक्षत्र में हो अथवा बुध की युति में हो अथवा बुध की दृष्टि में हो तब पुनर्विवाह होता है। अर्थात सप्तम भाव के उपनक्षत्र स्वामी का संबंध किसी भी प्रकार से बुध से हो, साथ ही सप्तम का उपनक्षत्र स्वामी अथवा यह उपनक्षत्र स्वामी जिस नक्षत्र में हो उस नक्षत्र का स्वामी, इन दोनों में से कोई भी ग्रह द्वि स्वभाव राशि में मिथुन, कन्या, धनु या मीन में हो तब भी पुनर्विवाह का योग होता है। लेकिन सप्तम भाव के उपनक्षत्र स्वामी 2 अथवा 11वें भाव में से किसी एक भाव का कार्येश होना जरूरी है। विवाह कहाँ होगा? यदि सप्तम भाव का उपनक्षत्र स्वामी चतुर्थ भाव का सबल कार्येश हो तब जातक के शहर, तहसील का जीवन साथी मिलता है। यदि सप्तम भाव का उपनक्षत्र स्वामी तृतीय भाव का कार्येश हो और वह बुध से संबंधित हो तो समाचार पत्र द्वारा या सोशल मीडिया द्वारा संबंध होता है।
यदि सप्तम भाव का उपनक्षत्र स्वामी तृतीय भाव का कार्येश हो और शुक्र से संबंधित हो तो विवाह मैरिज ब्यूरो या विवाह संस्था द्वारा होता है। यदि सप्तम भाव का उपनक्षत्र स्वामी लाभ भाव अर्थात ग्यारहवें भाव का कार्येश हो और लग्नेश अथवा मंगल से संबंधित हो तब जातक विवाह स्वयं करता है। यदि सप्तम भाव का उपनक्षत्र स्वामी द्वितीय या चतुर्थ का कार्येश हो और चंद्रमा से संबंधित हो तो विवाह ननिहाल द्वारा तय होता है। यदि सप्तम भाव का उपनक्षत्र स्वामी नवम भाव का कार्येश हो और सूर्य से संबंधित हो तो विवाह पिता या पिता के परिचितों द्वारा तय होता है। हमें आशा है कि यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो सब्सक्राइब करें हमारा चैनल एस्ट्रो मित्रम एवं किसी भी प्रकार की समस्या या ज्योतिष से संबंधित जानकारी के लिए हमें संपर्क करें। आपकी सहायता को सदैव तत्पर हमारी कुशल टीम आपसे जुड़ने की आशा करती है। धन्यवाद आपके समय के लिए।